गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिल्पा, स्वागत करते हैं आपके शिल्पा माहिज ब्लॉग में। सो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूं, आज है अंकित की बारात। सो गाइस अंकित भी रेडी हो रहा है, थोड़ी देर से आपको उसको भी मिलवाती हूं। एंड गाइस मैं रेडी हो चुकी हूं, मैंने ये साड़ी पहनी है, पूरा लुक अभी मैं दिखाऊंगी। मुकुल से बोलूंगी थोड़ा बैक कैमरे से शूट करे। एंड गाइस कैसी लग रही हूं मैं बताना जरूर। और इधर देखिए हमारे घर के सभी लड़के रेडी हो चुके हैं, मैं आपसे मिलवाती हूं। सो गाइस मैं यहाँ आ चुकी थी क्योंकि अंकित रेडी हो रहा था गाइस। और हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि दूल्हे को जो उसकी बहनें हैं वो यहाँ पर ये माला वगैरह पहनाती हैं, तो वही रस्म मैं पूरी कर रही थी गाइस। ये मैंने पहली बार की है और ये मुझे इससे पहले पता भी नहीं था गाइस, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी हूँ तो सबसे पहले मेरी ही शादी हुई है, किसी लड़के की शादी हुई नहीं अभी तक। तो ये मैंने रस्म की। एंड गाइस यहाँ पर जो भी जितनी भी बहनें होती हैं गाइस वो सभी ये रस्म निभाती हैं। एंड गाइस ये माला पहनाने के साथ दूल्हे को पान भी खिलाना होता है गाइज, तो मैंने वो भी किया। एंड गाइज यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह भी निकलवाए और मैंने फ़ोटोग्राफर से कहा आप फ़ोटो ज़रूर मुझे दिखाना क्योंकि आपने कैसे निकाले, जो कि यहाँ ये भैया दिखा रहे हैं। एंड गाइज अच्छे फ़ोटो निकाले उनने, जो कि मुझे उन्होंने दिखाए। मैंने कहा भैया एल्बम में आना चाहिए फ़ोटो, ऐसा नहीं सिर्फ फ़ोटो खींच दो और एल्बम में ना आए। एंड गाइज उसके बाद मैंने पान वगैरह खिलाया अंकित को। सो गाइज इस तरह ये रस्म पूरी हुई। तो गाइज हम लोग तैयार हो गए, तो देख सकते हैं अभी हम छत पे आए हैं और सभी लोगों का फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर जी गाइज। और ये फोटो आपको अगर देखने है ना तो आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, हमारी आईडी है silpamahi2831। तो गाइज मैंने और जय इन ब्लैक की ट्यूनिंग की। आ जाओ जिया जी कहाँ पर हो, देखिए भाई देखो जिया साले ने भाई ट्यूनिंग की हुई है आज। अरे शिवानी देखो सुंदरी, देखो भाई आज का आज गजब ढारी शिवानी है। So guys, आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, आप देख सकते हैं इस टाइप का लुक है, कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। तो बाकी लोग देखिए गाइस, बाकी लोग देखिए सब रेडी हो चुके हैं। और शिवानी को देखिए गाइस आज देखिए लहंगा सहंगा पहना हुआ है, बड़ी ही सुंदर लग रही है। और देखिए यहाँ सब हम भाई बहन रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए मेरी छोटी छोटी बहन है, जूते पहन। यहाँ पर गाइस ये निकासी निकल रही है, यानी कि दूल्हे के साथ सभी जो परिवारजन होते हैं और जो गेस्ट वगैरह होते हैं सभी साथ जाते हैं गाइस, इसे निकासी बोलते हैं। आप लोग शायद रिलेट कर सकते हैं, ये चंबल ग्वालियर संभाग में ये वाली रस्म ज़्यादा होती है, और कहीं का मुझे पता नहीं है, आप लोग बताना आपके यहाँ ये होती है कि नहीं। तो मतलब दूल्हे को मतलब जब बारात जाने के लिए तैयार होते हैं ना वहाँ तक छोड़ के आते हैं, एक पर्टिकुलर जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह में बैठना होता है वहाँ तक। तो यहाँ सब लोग हम लोग ये निकासी में शामिल हो रहे हैं गाइस, जो आप लोग देख सकते हैं ये सब।
थी, बाकी लोग भी आ रहे हैं गाइस। बाकी मैंने गार्डन का लुक वगैरह आपको दिखा दिया है, कैसा लग रहा है आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर गाइस बारात आ चुकी थी, हम सब लोग गार्डन आ गए हैं और यहाँ पर गाइस दूल्हे राजा का स्वागत हो रहा है लड़की पक्ष की तरफ से गाइस। और यहाँ पर इसे दरवाज़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, ये सारे बर्तन वगैरह रखे होते हैं ना ये सब, तो यहाँ पर लड़के को बग्घी वगैरह से उतारते हैं और यहाँ पर तिलक वगैरह किया जाता है और जो भी रस्म वगैरह होती है वो सब किया जाता है गाइस। ये मैंने आपको ऋतु की शादी में भी दिखाया था, आप शायद अगर ध्यान हो तो, उसके जो हस्बैंड थे उनका भी स्वागत वगैरह इसी टाइप से किया गया था, जो दरवाज़ा था यानी दोनों साइड जो बर्तन लगाते हैं उसे दरवाज़ा करना बोलते हैं। फाइनली गाइस दुल्हन हमारी आ चुकी हैं एंड गाइस चलिए अब स्टेज प्रोग्राम होगा, वरमाला होगी, सो आप इंजॉय कीजिए गाइस, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी।
सो गाइज फाइनली वरमाला हो चुकी है एंड गाइज आप दूल्हा और दुल्हन को शुभकामनाएं देना मत भूलना, दोनों को आगामी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने यहाँ फ़ोटो वगैरह निकलवाए और उसके बाद गाइज हम लोग आ गए खाना खाने। तो ये देखिए यहाँ पर मुकुल है, प्रीति है और हम सब भाई बहन आ चुके थे एंड गाइज माही भी थे यहाँ हमारे साथ। एंड चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। एंड ना पर्सनली ये बूफे में खड़े होकर खाने खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ सबसे अच्छा था कि टेबल पर कुर्सी पर खाना है और आराम से बैठ के खा लो। सो गाइज देखिए खाने में बहुत कुछ था, मटर पनीर था, भिंडी मसाला था, आलू की सब्जी थी, दो मिठाइयाँ थी, पालक पूड़ी, सादा पूड़ी, रायता एंड गाइज खाना बहुत टेस्टी था। सो गाइज कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।